वेलकम बैक स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर बेटर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्सटीन नो फॉर्मेलिटीज प्लीज फर्स्ट वी हैव अ लुक आवर टॉपिक नेम इज़ आवर टॉपिक नेम इज़ नोन फॉर्मेलिटीज प्लीज यू नो दैट वॉट इज़ अ मीन ऑफ नोन मतलब जानना क्या जानते हैं आप फॉर्मेलिटीज़ मीन्स शुड बी कम्प्लीट वेदर इट इज़ गुड गुड वर्क और हाउ इट इज़ वी हैव टू कम्प्लीट वर्क आपने अगर कोई काम करना है बस आपने एक फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो कि हमें बस ये काम करना है वो चाहे काम अच्छे से हो या कैसे भी हो बस आपने वो काम कम्प्लीट किया दैट इज़ कॉल्ड इज फॉर्मेलिटीज़ प्लीज मीन्स हम रिक्वेस्ट करते हैं ओके okay? लेट्स इस्टार्ट एट पार्ट वन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ गेटेड दैट टीचर क्लास फोर्थ की टीचर जब क्लास में इंटर करते हैं तो सारे बच्चे उन्हें विश करते हैं जैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये कहते हुए सब खड़े होते हैं मिसिस देसाई बिफोर द सेट डाउन मिसिस देसाई सेट डाउन बैठने के बाद इट वर्स टाइम फॉर देर इंग्लिश लेसन जो पीरियड चल रहा था जो टाइम था वो इंग्लिश का लेक्चर था शेल बी ब्रिंग आउट अवर बाल भारती टेक्स्ट बुक क्या हम इंग्लिश की बाल भारती की बुक निकाल सकते हैं टीचर आजकित श्रु श्रुति टीचर से श्रुति ने पूछा नॉट नाउ अभी नहीं सेट द टीचर टीचर ने कहा वी आर गोइंग टू लर्न लेटर राइटिंग टूडे आज हम लेटर राइटिंग पढ़ेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ लेटर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लेटर पढ़ेंगे कम हेयर जावेद एंड निशा टीचर ने जावेद एंड निशा को अपने पास बुलाए प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस नोटबुक्स आप ये नोटबुक को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे बच्चों में एंड वाइल दे गिव आउट द बुक्स कंटिन्यू मिसिस दिसाई लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज़ वो बच्चे जैसे ही बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मिसिस देसाई कंटिन्यू किए लेट मी कीप यू सम गुड न्यूज़ मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ देने वाली हूँ कुछ गु, आ, कुछ गुड न्यूज़ सुनाने वाली हूँ द स्टूडेंट्स वी ऑल हीयर नाउ सारे बच्चे बहुत ही बेचैनी के साथ उनकी बातों को सुनने लगे दैट टीचर अनाउंस विद अ स्माइल जब टीचर ने कुछ अनाउंस किया वो स्माइल करते हुए वो अनाउंस करने जा रहे थे न्यू अराइवल इन द लाइब्रेरी एंड पैलेंटी ऑफ दैम हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे बुक्स आए हैं बहुत सारे बुक्स बहुत सारी बुक्स है हमारी लाइब्रेरी में स्टोरी बुक्स ऑफ एवरी काइंड इंफॉर्मेटिव बुक्स विथ लवली पिक्चर बुक्स ऑफ पजल्स जोक्स हमारे यहाँ स्कूल में जो लाइब्रेरी है उसमें स्टोरीज की बुक है बहुत बहुत सारे इंफॉर्मेटिव बुक्स है लवली पिक्चर्स वाली बुक है जिस और ऐसी बुक भी है जिसमें पज़ल्स और जोक्स और स्टोरीज हैं ऑल हैव बिन डिस्प्लेट इन द लाइब्रेरी सो यू यू विल नो विश वन टू आस्क फॉर द नेक्स्ट टाइम यू आर इन द लाइब्रेरी डिस्प्लेड मीन्स कलेक्शन ऑफ थिंक अरेंजमेंट वेयर पीपल कैन सी ओके डिस्प्लेड लाइब्रेरी में सारी बुक्स को डिस्प्लेड किया गया था और कहा गया था ताकि आप जान सके कि कौन सी बुक आपको नेक्स्ट टाइम जब आप लाइब्रेरी में हो तो पूछो ओह लवली आई कान हार्डली वेट सारे बच्चे बहुत ही खुश हो गए आई कान हार्डली वेट अब उनसे और इंतज़ार नहीं हो रहा था और वेट नहीं कर सकते थे वेर सम ऑफ़ द ईकर रिस्पॉन्स टू द पीस ऑफ़ न्यूज़ वो न्यूज़ सुनने के बाद सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे बहुत खुश थे ऑल वेर एक्साइटेड एक्सेप्ट वन सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर व्हाट्स द यूज़ कंप्लेंट फेलिक्स वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक व्हाट्स द यूज़ वो बोलता है इससे क्या होगा कंप्लेंट कंप्लेंट फेलिक्स कम, फेलिक्स ने कंप्लेन किया उसने कहा वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक पीरियड होता है लाइब्रेरी में जाने का एंड हार्डली फॉर हाफ एन आवर टू और सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर होता है जस्ट द स्टोरी गेट इंटरेस्टिंग जैसे ही वो स्टोरी हमें इंटरेस्टिंग लगने लगती है वी हैव टू लीव द बुक एंड गो बैक टू क्लास वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है बुक को छोड़ के हमें वापस से क्लास में जाना पड़ता है नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ वर्षा जॉइन इन टू से वही क्लास में से एक बच्चे ज्वाइन होती है और कहती है फॉर टू वीक्स लास्ट दो हफ्ते से आई हैव बिन वेटिंग टू नो मैं वेट कर रही हूँ वॉट हैपन टू द पेड पेपर ऑफ़ हमेलिन मैं वेट कर रही हूँ वो स्टोरी में कि आगे क्या हुआ होगा देर वॉज अ हॉलीडे लास्ट थर्सडे लास्ट थर्सडे क्या थी हॉलीडे थी स्कूल छुट्टी थी एंड वी मिस द लाइब्रेरी पीरियड और हम सब क्या किए लाइब्रेरी पीरियड को मिस कर दिए मिस मिसिस देसाई रियलाइज दैट वॉट हर स्टूडेंट दैट वॉज परफेक्टली ट्रू मिसिस देसाई को रियलाइज़ हुआ और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं सही कह रहे हैं शी डिस शी डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू अलाउ अ होम इशू फैसिलिटीज फॉर क्लास फोर्थ मिसिज दिसाई ने डिसाइड किया कि वो रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल से कि वो बच्चों को जो लाइब्रेरी की बुक्स होती हैं वो घर पे ले जाने के लिए उन्हें फैसिलिटी फैसिलिटीज़ दे उन लोगों को अलाउ करें आफ्टर ऑल दे वेर बिक इनफ टू लुक आफ्टर द बुक्स दे टूक होम आफ्टर ऑल सारे बच्चे बड़े हैं वो बुक को ईजीली वो बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल के रख सकते हैं हे वे इट थाट मिसिस देसाई देर अ बेटर वे टू डू इट वाई नॉट लेट द स्टूडेंट दैम सेल्फ राइट अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल मिसिस देसाई ने कुछ सोचा उन, उनको एक आइडिया आया तो उन्होंने बच्चों से कहा हे फेट उन उन्हेंने, उन्हेंने बच्चों से कहा सबसे बेहतर तरीका यह है सबसे बेटर वे है कि सारे बच्चे मिल एक लेटर लिखे प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट लेटर आफ्टर ऑल दैट वॉज दैट वॉज वॉट शी हैड प्लान टू टीच दैट डे हाउ टू राइट पोलाइट फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर मीन्स ऑफिशियल लेटर होता है जो सीरियस मैटर होता है उस पर हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं पोलाइट मीन्स रिक्वेस्टफुल लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लैंग्वेज होती है जिस जिसमें पोलाइटली बात की जाती है तो उन्होंने बच्चों से कहा कि क्यों ना सारे बच्चे मिल प्रिंसिपल को एक लेटर लिखे आफ्टर ऑल वो उस दिन टीचर ने मिसेस देसाई ने प्लान किए थे कि वो बच्चों को बच्चों को वो वो फॉर्मल लेटर लिखना बच्चों को सिखाएंगे वॉट एंड अपॉर्चुनिटी अ गुड सब्जेक्ट फॉर अ फॉर्मल लेटर एंड ऑफ कोर्स अ रियल सिचुएशन वुड मेक अ लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग व्हाट एंड अपॉर्चुनिटी मतलब कितना अच्छा वक्त मिला है हमें अ गुड सब्जेक्ट फॉर अ फॉर्मल लेटर हमें एक सब्जेक्ट मिल गया सब्जेक्ट मीन्स होता है रीज़न कि हम जो लेटर लिख रहे हैं उसका रीज़न क्या है तो बच्चों को वहाँ पे मिसेस देसाई ने कहा कि हम सबको एक अच्छा सब्जेक्ट मिला है लेटर लिखने का एंड ऑफ कोर्स अ रियल सिचुएशन वुड मेक द लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग ये जो सिचुएशन है हम इस मौके पर अच्छे से लर्निंग अच्छे से पढ़ सकते हैं और इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिला है हम इससे हम एक लेटर लिखना सीख सकते हैं वेन मिसिस देसाई सजेस्टेड दिस टू हर क्लास दे वेर वेरी एक्साइटेड जैसे ही मिसिस देसाई ने सजेस्ट किए बच्चों को क्लास के बच्चों को तो सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे विदाउट विदाउट लॉसिंग लॉसिंग मच टाइम बगैर बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मिसिस देसाई पिकन टू टीच हर क्लास हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर मिसिस देसाई ने बच्चों को टीच करना इस्टार्ट किया कि हाउ टू राइट द फॉर्मल लेटर हम फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिख सकते हैं सेंडर्स एड्रेस एंड द डेट शुड बी रिटर्न इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेज शी थॉट मिसिस दिस ने कहा जो सेंडर होता है उसका नेम एड्रेस एंड डेट जो कहाँ पर लिखते हैं हम राइट कॉर्नर ऑफ द पेज अब ऊपर के साइड जो राइट हैंड साइड होता है जो पेपर का कॉर्नर का साइड होता है पेज का राइट हैंड साइड ऊपर हम नेम एड्रेस एंड डेट वगैरह वहाँ पर मेंशन करते हैं द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू राइट द नेम आर पोस्ट ऑफ द रिसीवर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है राइट द नेम अगर हम किसी को भेज रहे हैं या अगर हमें उसकी पोस्ट पता है तो यहाँ पे पोस्ट क्या है प्रिंसिपल की है तो प्रिंसिपल का हम नाम मेंशन नहीं करेंगे वहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल तो ये चाहे नाम या पोस्ट अगर हमें पोस्ट पता है तो वहाँ पे पोस्ट लिखना है जो रिसीवर है नियर द लेफ्ट मार्जिन कहाँ पे लिखेंगे जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है जो लेफ्ट हैंड साइड की जो मार्जिन होती है वहाँ पे हमें लिखना है देन राइट इज़ आर हर एड्रेस बिलो दैट और उसके बाद हमें क्या लिखना है उसका जो एड्रेस है उसका एड्रेस हमें वहाँ पर लिखना है एंड आफ्टर दैट यू मस्ट राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन शॉर्ट बिलो द रिसीवर एड्रेस शी फर्दर इंस्ट्रक्टेड अब हमें उसके बाद क्या करना है सेकेंड स्टेप के बाद हमें क्या करना है सबसे बहुत ज़रूरी हमें सब्जेक्ट मैंशन करना है कि वहाँ पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट मीन्स क्या रीज़न है हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है सब्जेक्ट हम कहाँ पे लिखेंगे इन शॉर्ट जहाँ पे रिसीवर का एड्रेस एंड होता है उसके बाद हमें क्या करना है नीचे वहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है अंडरस्टैंड दैट्स समथिंग न्यू रिमार्क शरण अब शरण ने कहा वी डू नॉट मैंशन आ सब्जेक्ट इन अवर फ्रेंडली लेटर्स डू वी इसी कुछ नया है ऐसा शरण ने कहा कि कुछ नया है जब हम अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को जब लेटर लिखते हैं तो हम वहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते इसलिए शरण को ये नया लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करने के लिए बताया जा रहा है ऑफ कोर्स नॉट मिसेस देसाई ने कहा ऑफ कोर्स नॉट सेट मिसेस देसाई व्हाट डू वी डू नेक्स्ट टीचर श्रुति वांटेड टू नो श्रुति ने कहा टीचर अब इसके बाद क्या करना है यू एड्रेस द रिसीवर राइटिंग डियर सर आर डियर मैडम रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द लेटर ऑल्सो शुड बी रिटर्न इन पोलाइट लैंग्वेज राइट टू द पॉइंट मिसिस दिसाई एक्सप्लेन अब जो मेन सबसे मेन पॉइंट है मिसिस देसाई एक्सप्लेन कर रही है कि यू एड्रेस आपको एड्रेस करना है जो रिसीवर है जिसे आप भेज रहे हो क्या वो मेल है या फीमेल है अगर मेल है तो डियर सर लिखना है एंड फीमेल है तो डियर मैडम रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द लेटर ऑल्सो शुड बी रिटर्न इन अ पोलाइट लैंग्वेज एक बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा आप जो लेटर लिख रहे हो जो आप लिख रहे हो वो पोलाइट लैंग्वेज में होना चाहिए रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज होनी चाहिए ऐसा मिसिस देसाई ने कहा एंड शुड बी एंड इट विथ यवलिंगली आस्किट रेनू अब यहाँ पे रेनू पूछती है जैसे ही हमारा लेटर जो होता है एंड होता है क्या एंड में हम योर लवलिंगली लिख सकते हैं ओह नो सैड टीचर ने कहा नहीं यू कैन राइट दैट टू योर फ्रेंड आर पेरेंट्स आर इवन टू मी आप से पॉसिप योर लवलिंगली आप अपने पेरेंट्स को फ्रेंड्स को इवन आप मुझे लिख सकते हो बट वेन यू आर राइटिंग एज अ स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल अगर आप लेटर अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो एज आ एज अ स्टूडेंट्स अगर आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो यू मे राइट तो आपको क्या लिखना होगा यू आर्स फेथफुली आर सिंसेरली या आप लिखो योर यो आर्स फेथफुली या नहीं तो सिंसेरली डू नॉट फॉरगेट टू थैंक द रिसीवर अप्रोप्रिएटली बिफोर यू क्लोज द लेटर और जैसे ही आपका लेटर क्लोज होता है एंड होता है थैंक्स लिखना बिल्कुल नहीं भूलना और भी थैंक्स लिखने का जो जो थैंक्स लिखना है हमें वहाँ पे बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही पोलाइटली हमें लिखना होगा ओके कम ऑन नाउ लेट्स ड्राफ्ट दिस लेटर टुगेदर चलो अब हम इसे ड्राफ्ट करते हैं ड्राफ्ट लेटर को ड्राफ्ट करते हैं आफ्टर क्वाइट अ फ्यू एरर कैंसलेशनस एंड चेंज हर्स द लेटर क्लास फोर्थ रोड टू दै प्रिंसिपल इट वॉज रिटर्न वेरी नीटली अब तक की जो मैंने आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप बताई थी लेटर लिखना अभी आपको इसको प्रॉपरली तरीके से लिखना है फर्स्ट हम रफ बनाएंगे रफ़ बनाने के बाद पहले मैंने आपको जैसे बताई स्टेप बाई स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से बताया गया है आप उसे लिखिए उसके बाद उसमें कुछ करेक्शन रहा है कुछ ऐसे जैसे आपने कुछ रॉन्ग लिखा उसे सही करने के बाद उसे हम फेयर तरीके से फेयर पेपर में लिखने के बाद क्योंकि वो जो लेटर है वो प्रिंसिपल को देना है वो लेटर प्रिंसिपल के पास जाएगा इट वॉज रिटर्न वेरी नीटली वो पेपर वो लिखा हुआ राइटिंग बहुत ही नीटली होना चाहिए इसलिए एक पर पहले तो रफ पे लिखा जाएगा उसके बाद उस पेपर को फेयर करके हम वो लेटर पूरा कंप्लीट करेंगे ओके अब इस तरीके से देखिए बच्चों ने एक लेटर तैयार किया फर्स्ट है जो सेंडर है प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वचनपुर सिक्स जुलाई टू थाउजेंड फोर्टी ये था सेंडर एड्रेस एंड नेम अब ये रिसीवर है लेफ्ट हैंड साइड टू द प्रिंसिपल प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वचनपुर ये रिसीवर का पोस्ट है एंड नेम या एड्रेस है ओके अब उसके नीचे सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटीज यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो लाइब्रेरी की बुक है उसे घर पे लेके जाने के लिए फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए अब टी मैडम वहाँ पे एड्रेस हमें पहले मालूम करना है वो मेल है फीमेल है यहाँ पे बच्चों ने लिखा है डियर मैडम स्टार्ट करते हैं वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ जो सारे बच्चे हैं वो क्लास फोर्थ के हैं हैव अ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं अवर इंग्लिश टीचर मिसिस दिसाई हैज इन्फॉर्म अस अबाउट मैनी न्यू बुक्स दैट हैव अराइव इन अवर स्कूल लाइब्रेरी जो उनकी इंग्लिश की टीचर है मिसिस देसाई वो बच्चों को इन्फॉर्म किए हैं बुक्स के बारे में कि जो लाइब्रेरी में बुक्स न्यू न्यू बुक्स आई है वी आर ईगर टू रीड दैम हम उसे पढ़ने के लिए हम उसे पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं हाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फिनिश रीडिंग अ बुक ड्यूरिंग द लाइब्रेरी पीरियड ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो रीडिंग बुक है वो जो लाइब्रेरी का पीरियड होता है हाफ़ एन आवर का हम उसमें वो कंप्लीट नहीं कर सकते फिनिश नहीं कर सकते विच इज़ ओनली वंस अ वीक जो कि हफ्ते में सिर्फ एक ही टाइम एक ही दिन हम पूरे होल एक हफ़्ते में एक ही टाइम वो लाइब्रेरी का पीरियड होता है मे वी हैव योर काइंड परमिशन मैडम टू टेक द बुक फॉर होम रीडिंग हम वी हैव हम सब परमिशन मांग रहे हैं आपसे कि आप हमें वो बुक्स को पढ़ने के लिए हमें घर लेके जाने के लिए इजाज़त दीजिए वी प्रमिस दैट वी शैल टेक अटमोस्ट केयर ऑफ द बुक एंड रिटर्न दैम ऑन टाइम और हम आपसे प्रोमिस करते हैं कि वो बुक को हम बहुत ही केयरफुली रखेंगे और ऑन टाइम पर हम वहाँ पर रिटर्न कर देंगे यो आर फेथफुली ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ सो स्टूडेंट्स ये हमारा लेटर था जो कि फॉर्मल लेटर था ओके होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेसन थैंक यू सो मच